हेलो स्टूडेंट हम हिस्ट्री का सेकंड लेसन देख रहे हैं सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ओके आज कहाँ ये हमारा सेकंड वीडियो है कल हमने देखा था कि ये जो हमारा लेसन है सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री इसके हमने इस लेसन को हमने फाइव पार्ट में क्या किया है डिवीज़न किया है तो इसका हमारा फर्स्ट टॉपिक चालू है टू पॉइंट वन मटेरियल सोर्सेस ओके कल हमने सोर्सेज ऑफ़ हिस्ट्री देखा था कि सोर्सेज ऑफ़ हिस्ट्री में क्या क्या आता है है ना तो फोर्क कार्ड्स फोक लिटरेचर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स तो ये सब क्या आता है ऑल दीज आर नोन एज सोर्सेज ऑफ़ हिस्ट्री ओके एंड देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ये भी हमने देखा था मटेरियल सोर्सेज रिटर्न सोर्सेज एंड ओरल सोर्सेस यहाँ तक कल हमने देखा हाँ okay. ओके अभी नेक्स्ट देखेंगे कैन यू टेल क्या आप बता सकते हो स्ट्रक्चर सच एज फोर्ट्स रॉक कट केव्स स्तूपा एक्सेट्रा आर नोन एज मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ट्राई टू गेस व्हाट द स्ट्रक्चर कैन बी कॉल्ड मटेरियल सोर्सेस अभी देखो यहाँ पे क्या बताया है स्ट्रक्चर सच एज फोर्ट्स मतलब किले रॉक कट केव्स मतलब अजेंटा एलोरा के जो केव्स हैं ना वैसे स्तूपा हाँ एक्सेट्रा तो आर नोन एज ये सब क्या हुआ मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ओके तो ट्राई टू गेस आपको यहाँ पे अभी गेस करना है व्हाट अदर स्ट्रक्चर्स कैन बी कॉल्ड मटेरियल सोर्सेस ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसे हम मटेरियल सोर्सेस कह सकते हैं ये आपको गेस करना है आपको सोचना है ओके okay? 2.1 Material sources. Man uses a variety of things in his day to day life. Okay. They are known as artifacts. Artifacts used by humans in the past provide us valuable information about life in the ancient times. Okay. तो प्राचीन ज़माने भी वो लोग डेली लाइफ में बहुत सी चीज़ें यूज़ करते हैं उन लोगों ने जो चीज़ें यूज़ की हैं उससे भी हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है वी कैन डिसाइड द पीरियड ऑफ एंशियन आर्टिफैक्ट्स लाइक अर्थन पॉट्स बाय स्टडिंग द शेप कलर एंड डिज़ाइंस एंड एनशियन पॉट्स ओके तो कैसे मिलते हमें जैसे भी वो चीज़ें हमें मिलती हैं यहाँ पे उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल दिया है अर्थन पॉट्स मतलब मिट्टी का घड़ा ओके अगर मिट्टी का घड़ा हमें एंशियन टाइम का मिलता है तो उसका कलर कैसा है उसका शेप कैसा है उस पर कौन सी डिज़ाइन यूज़ की है डिज़ाइन मतलब हम उसको नक्शी काम बोलते हैं प्राचीन ज़माने में बहुत से अलग अलग नक्शी काम होते थे ना तो उसे बोलते हैं ओके इससे हमें उस जमाने की इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारी हिस्ट्री पता चलती है ऑर्नामेंट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स थ्रू लाइट ऑन सोशल इंटरेक्शन ओके तो देखो ये जो ऑर्नामेंट्स है उससे भी हमें सोशल इंटरेक्शन उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डाइट ऑफ द पीपल फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ फूड ग्रेन्स सीड्स एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स फाउंड इन एक्सकवेशन तो उनके खाने पीने के डाइट के बारे में हमें कैसे पता चलता है तो जो भी रिमेन फूड ग्रेन्स है बीज है एनिमल्स की हड्डियां हैं फ्रूट्स की सीड्स होती हैं इसके वजह से वो लोग क्या खाते थे उनका आहार क्या था यह हमें पता चलता है ऑल्सो वी फाइंड द रिमेंट्स ऑफ हाउस एंड बिल्डिंग्स बिल्ट इन डिफरेंट हिस्टोरिकल पीरियड्स हम देख सकते हैं कि अलग अलग हिस्टोरिकल पीरियड में अलग अलग हाउसेस उन लोगों ने बनाए थे वी ऑल्सो फाइंड एंशियन कॉइन एंड सील्स उस समय वो लोग जो घर बनाते थे वो किस तरह बिल्ट किया इसका भी हमें पता चलता है और क्या मिला हमको एंशियन टाइम का यस कॉइन्स एंड सील्स मतलब जिसको हम मुद्रा चलन बोलते हैं और जिसको आज के टमा आज के ज़माने में हम क्या बोलते हैं मनी पैसा ओके okay? तो उस जमाने में जो कॉइन यूज़ होते थे वो भी हमको मिले तो उससे भी हमें पता चलता है हमारे हिस्ट्री के बारे में ऑल दिस गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन द पास्ट ऑल सच आर्टिफैक्ट्स आर्टिकल्स मोन्यूमेंट्स और दे आर रूइंस आर कॉल्ड द मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ओके इस लाइन को आप अंडरलाइन कीजिए hmm? इस समय उस समय में जो भी हमारे आर्टिफैक्ट्स है आर्टिकल्स मिले हैं हमको जो मोनूमेंट्स मिले हैं इन सब को हम क्या कहेंगे मटेरियल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ओके okay, यहाँ पे जो हमें गेस्ट करने को बोला था वही उन्होंने वहाँ पे बताया कि जो भी ऑर्नामेंट्स जो भी हमें कॉइन्स मिलते हैं जो भी फूड ग्रेन्स मिलते हैं ओके बोन्स ऑफ एनिमल्स मिलते एनिमल्स के जो बोन्स मिलते इन सब से हमें क्या पता क्या पता चलता है यस yes, हमारे हिस्ट्री के बारे में हमारे पास्ट के बारे में हम पता कर कर सकते हैं ओके okay?